जुदा माना जो हुआ ठीक नहीं था और आपसे सहन नहीं हुआ, परंतु हमें लगता है कि रुकैया बेगम को रोककर आपने उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा लांघी। जानते हैं मुझे, परंतु क्या करें, राजवंशी संस्कार को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अन्याय चाहे जिसने भी किया हो, हम उसके विरुद्ध अपनी आवाज अवश्य उठाएंगे। बस रुकैया बेगम इस बात से क्रोधित ना हो जाए। हमें बस सब ठीक करें जोधा, परंतु हमें बहुत भय है। समझ नहीं आता रुकैया बेगम इस तरह क्यों पेश आती है, कई बार मामूली सी बात थी। हाँ मीजान, लेकिन अब ये मामूली सी बात रुकैया बेगम की जिद बन गई है। अरे जब दो लोग राजी हों तो पता नहीं वो क्यों उनकी शादी कहीं और कराना चाहती है। अगर जोधा बेगम और बाकी बेगमात को लगता है कि जलाल हमारे खिलाफ जाएंगे तो वो गलत है। जलाल कभी हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। बस अब हमें जलाल के फैसले का इंतजार है, फिर हम जोधा बेगम को भी देख लेंगे। जलाल ने कुछ सोच समझ कर ही हमें हरम की जिम्मेदारी दी है। जोधा बेगम को हम छोड़ेंगे नहीं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हरम के मामले में दखल नहीं देते हैं, लेकिन कुछ खास दरखास्त पर हमें यहां हाजिर होना पड़ा। हमने इस मामले की पूरी जानकारी हासिल की और हम उन दोनों कनीजों से मिलना चाहेंगे जिनके बीच झगड़ा हुआ, और उस लड़के से भी मिलना चाहेंगे जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। सबसे पहले शहंशाह को आप तीनों अपना नाम बताओ। मेरा नाम रुखसाना है हुजूर, मैं मजहर की बचपन की दोस्त हूँ। हमारा रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था हुजूर। और मैं मजहर हूँ हुजूर। और मैं अजीजा। मजहर, हम तुमसे पूछना चाहेंगे कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझ कर इस बात को ध्यान में रखना कि एक तरफ तुम्हारी बचपन की दोस्त है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, और दूसरी तरफ वो औरत जो तुमसे मोहब्बत करने का दावा करती है। ये सच है हुजूर कि रुखसाना मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों का रिश्ता हमारे वालिदैन ने किया था। पर हुजूर, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने पाया है कि मैं अजीजा से बेहद मोहब्बत करता हूँ और निकाह भी इसी से करना चाहता हूँ। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, पर मैंने तो आज तक की पूरी जिंदगी सिर्फ मजर के बारे में सोचते गुजारी है। हुजूर, किसी के बारे में सोचने से वो उसका तो नहीं हो जाता। मजर हमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन शहंशाह, मोहब्बत से बढ़कर है बचपन की दोस्ती, और वो हक जो रुखसाना का मजर पे है। परंतु शहंशाह, विवाह एक भिन्न प्रकरण है और इसमें प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। अजीजा और मजहर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो फिर मजहर रुखसाना से विवाह कैसे कर सकता है? हम किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ बचपन की दोस्त है, दूसरी तरफ मोहब्बत। और शरीयत के मुताबिक एक निकाह तभी मुमकिन होता है जब मियाँ बीबी दोनों का कबूल हो, और इसलिए हमारा फैसला है कि ये निकाह नहीं हो सकता। हम तुम तीनों को एक महीने की मोहलत देते हैं। एक महीने तक खूब इस मामले के बारे में सोचना, अपने दिल के अंदर झांकना, और नजर फिर तुम्हारा जब मन चाहे जिसके साथ चाहे निकाह कर लेना। महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे फैसले से बहुत लोग नाखुश हैं। हालांकि हमारे फैसले पर किसी की बंदिश नहीं, लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे कि आप सब बेगमों की हमारे फैसले पर क्या राय है। बेखौफ होकर कही। हुजूर, आपके फैसले पर हमें कोई शुभा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि आज जो इन बांदियों के साथ हुआ है वो बार बार होता है। हालांकि हम रुकैया बेगम की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसी नाइंसाफियाँ वो बार बार करती हैं। बात सिर्फ बांदियों की नहीं, रुकैया बेगम हम सब बेगमात के साथ भी ढंग का बर्ताव नहीं करती हैं। आपके कायदे के अनुसार कोई भी बेगम दूसरी बेगम और उनकी बांदियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकती है। माफ कीजिएगा शहंशाह, पूरे हरम की जिम्मेदारी आपने बेगम खास बेगम रुकैया पर सौंपी है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए
सख्ती बरतना बहुत जरूरी होता है। बताइए किस वजह से आना हुआ यहाँ पर? आपको धन्यवाद देने आए थे। जिस तरह से आपने अजीजा और रुखसाना के विवाद को सुलझाया हमें बहुत अच्छा लगा। खुदा का कर्म है कि आपको हमारी कोई बात तो पसंद आने लगी। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बात हम बाद में करेंगे चौधरी बेगम, फिलहाल हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप हमारा सर दबा देती तो सुनने में आसानी होती। परंतु अभी भी तो दासी ने आपका सर दबाया है। हाँ, लेकिन उसके हाथों में वो बात कहाँ चौधरी बेगम जो आपके मुलायम हाथों में। देखिए ना चौधरी बेगम, अब भी बहुत सर दर्द हो रहा है। ना में हाँ और हाँ में ना केवल आपको ही सुनाई देती है, बाकी किसी ने कभी ऐसी समस्या नहीं बताई हमें। देखा हमने। देखा? क्या देखा? यही कि किस तरह से हरम की तमाम बांदियां बेगमात आपके लिए वकालत कर रही थी। जाहिर है कि आप उन्हें समझने लगी हैं और वो आपको समझने लगी हैं। जोधा बेगम उनकी उम्मीद बन गई है आपसे। लेकिन हमारा एक मशवरा है जोधा बेगम, हमारा मशवरा है कि आप उन्हें साफ साफ कह दीजिएगा कि आप हरम की जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो उनकी उम्मीदें बनती जाएंगी और जिस दिन वो टूटेगी तो बहुत बुरा लगेगा। क्यों उन्हें खामखा ऐसे मोड़ तक ले जाना जहाँ मंजिल न हो? अगर उनकी उम्मीद टूटी तो वो आपको अपने को नहीं कर मानेगी। सही किया आपने जोधा बेगम, जो आपने रुकैया बेगम के खिलाफ खड़े होने से मना कर दिया। और वैसे भी रुकैया बेगम से बेहतर कौन संभाल सकता है हरम को, है ना जोधा बेगम? ऐसा नहीं है, हम भी हरम संभाल सकते हैं, परंतु हमें इन सब झंझट में पड़ना ही नहीं। और वैसे भी वर्षों से रुकैया बेगम हरम संभालती आ रही हैं। वही तो जोधा बेगम, कि रुकैया बेगम सालों से हरम को संभालती आ रही हैं। और बेचारी बेगमात उन्हें लग रहा है कि आप उनकी मसीहा बन रही हैं। और हम जानते हैं जोधा बेगम कि आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, है ना जोधा बेगम? माना कि आप समझदार हैं, लेकिन हरम संभालने की और ही अलग बात होती है जोधा बेगम। अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे कहाँ जा रही हैं जोधा बेगम, अभी तक तो आपने अपनी बात भी नहीं कही और हमारे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हमें लगता है कि आपको सर दबवाने की नहीं बल्कि लंबी नींद की आवश्यकता है। आप आराम कीजिए तो ठीक हो जाएंगे। चलते हैं, शुभ रात्रि। तो अब तुम हमें अदब, तहजीब और कायदा सिखाओगी? बेशक, अगर आप तमीज का दायरा तोड़ेंगे तो अदब की सरहद हम दिखाएंगे आपको। अरे हद तो तुमने पार की है, मलिकाए आजम के सामने हमें कमतर पेश किया, हमारे हरम चलाने के तौर तरीकों पे सवालात उठाए। तुमने बेगम खास की रुसवाई की है। ऊंची आवाज में बात करना हमें भी आता है रुकैया बेगम, लेकिन ऊंची आवाज में बात करने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना। आप बेशक बेगम खास हैं, लेकिन रिश्ते में हम भी आपकी बड़ी बहन लगती हैं। और हमें लगता है कि हरम को चलाते चलाते आपको अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई। ओह, तो अब तुम खुलकर? हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई रुकैया बेगम। हमें लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ है आज, उसके जिम्मेदार ना जोधा बेगम है ना ही वो दो बांदियां, उसके जिम्मेदार है आपकी ये बदतमीजी, आपका ये रवैया। हमें लगता है रुकैया बेगम कि जल्दी आपने अपने रवैये में कोई सुधार नहीं किया ना, तो आप अपने कद का ओहदा सबकी नजरों में जल्दी गिरा देंगे और इसका गिरना तय है। जोधा बेगम की वकालत करके आपको क्या लगता है कि उनका कद बढ़ जाएगा? हाँ, हमने जोधा बेगम की वकालत की क्योंकि हमें लगता है कि जज्बातों के समझने की समझ उनमें आपसे कहीं ज्यादा है रुकैया बेगम। और हमें यह सच किसी के सामने कबूलने में कोई डर नहीं, ना आपके सामने और ना खुद शहंशाह के सामने। रुकैया बेगम, हम आपकी बड़ी बहन हैं और जब छोटी बहन गलती करती है तो बड़ी बहन को उसे रोकना जायज है। हमें लगता है रुकैया बेगम की शहंशाह के सीने में दिल नहीं है, इसका ऐलान करते करते आपका खुद का दिल मर गया है रुकैया बेगम। हमारी बानिया आराम कीजिए और अपने सोए हुए दिल को जगाइए और सवाल कीजिए अपने आप से कि ऐसी क्या वजह है कि आज सब के सब आपके खिलाफ आ खड़े हुए हैं। शायद आपका दिल ही आपसे कोई जवाब देते। हमें हमारी कलम पूरी करनी है रुकैया बेगम, माफ कीजिए। शम्मा खान।
मोती मंदिर में आके कितनी शांति और संतोष मिलता है ना, यहाँ की पवित्रता कितनी शांति प्रदान करती है ना। हाँ वो तो है, शक्ति का संचार होता है यहाँ आकर। पानी 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 पानी, कोई पानी पिला दो। पानी पानी होस्ता की माफ हो बेगम साहिबा, मगर इस तरह आपका गुलामों के पास जाना ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं जाएंगे यदि आप इन्हें पानी पिला दे तो। हम ऐसा कर नहीं सकते, हमें इन गुलामों को ले जाकर कैद में डालकर बेच डालने का हुक्म है। ये क्या भेड़ बकरी या पशु है, मनुष्य है, इन्हें कैसे बेचा जा सकता है। शहंशाह की बेगम को रोकने का साहस है तुम्हें? खुदा आपको सलामत रखे। प्यासों को पानी पिलाया है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, इसी जगह आते हैं जब हमें किसी उलझन का जवाब चाहिए होता है तो। ये बहुत बहुत कठिन है हमारे लिए। से मुश्किल है चौथा बेगम, मगर सच यही है कि इंसान जानता है कि सही फैसला क्या होता है, उसके बावजूद वो गलत फैसला चुनता है क्योंकि वो आसान होता है, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है चौथा बेगम। बशाय किसी को बुराई क्यों ना लग जाए, हमारा फर्ज बनता है कि हम सही फैसला ही चुने। यही पैगाम चौथा बेगम ये इंसाफ का तराजू देता है। परंतु हम हरम के उत्तरदायित्व को संभालने के योग्य नहीं है, ना तो हम यहाँ के हैं और ना ही यहाँ की संस्कृति को समझते हैं हम। झूठ बोल रही हैं आप चौधा बेगम। जिस दिन से आपका हमसे निकाह हुआ है, उस दिन से आप आगरा की हो गई हैं चौधा बेगम। आगरा उतना ही आपका है जितना हमारा है, रुकैया बेगम का है, अम्मी जान का है या किसी और का है। रही बात आपकी काबिलियत की चौधा बेगम, तो नहीं हमें आपकी काबिलियत पर कोई शक है, ना ही अम्मी जान को है और ना ही हरम में से किसी बेगम को है। आप वो हैं जिसने हमारी जिंदगी में हमें सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है, हमें आवाम से दुआ दिलवाई है, हमें दिलों पर राज करना सिखाया है चौथा बेगम। आप वो हैं जिसने हमें मौत को मात दे दी है। हाँ वो एक अलग बात है कि इंसान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है जब तक उसके सामने कोई दिक्कत ना आ जाए, मगर जब दिक्कत आती है तभी वो अपनी ताकत दिखा पाता है। तो अब आपके सामने मौका है चौथा बेगम अपनी ताकत दिखाने का, क्योंकि आप में वो ताकत है, वो लियाकत है कि आप सही फैसला ले सकती हैं। परंतु ये इतना सरल नहीं है। हरगिज नहीं होगा चौथा बेगम, आवाम में से एक बनना बहुत आसान होता है, लेकिन बेगमात में से खास बनना बहुत मुश्किल होता है चौथा बेगम। किसी के नेकेबानी में काम करना बहुत आसान होता है चौथा बेगम, लेकिन किसी का नेकेबान बनना बहुत मुश्किल होता है। कमजोर बनकर हार जाना बहुत आसान होता है, लेकिन ताकतवर बनकर किसी दिक्कत का सामना करना बहुत मुश्किल होता है चौथा बेगम। आप दो दो खानदानों की इज्जत तहजीब को साथ लेकर चल रही हैं और ये बहुत मुश्किल का काम है, पर आप इस मुश्किल को दूर कर सकती हैं क्योंकि आप आम नहीं हैं चौथा बेगम। आप इरादों में मजबूत हैं, फैसलों में सख्त हैं, जज्बात में नेक दिल हैं। हमने आपकी जितना बेखौफ और मजबूत औरत आज तक नहीं देखी है। हम सिर्फ जलाल की फूफी जान नहीं है रुकैया, तुमसे भी हमारा रिश्ता है, इसलिए बिना किसी मुरव्वत के हम साफ तौर पर तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हरम दो खेमों में बट चुका है और बहुत से लोग जोधा बेगम के साथ हैं। हम जानते हैं फूफी जान, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम बेगमें खास हैं। और आप देखिएगा, ये हरम अभी भी हमारे ही अख्तियार में रहेगा। अगर जोधा बेगम को मौका मिल भी गया ना, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हरम की जिम्मेदारी क्या होती है। इतनी सारी मुगल बेगमात और बांदियों को संभालना आसान नहीं है। लेकिन रुकैया, जब हरम के लोग जोधा बेगम के साथ होंगे तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब वक्त आ गया है कि आपको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए।
जब तक योद्धा बेगम ने इस जिम्मेदारी को लेने का मन नहीं बनाया था तब तक बात कुछ और थी, लेकिन अब जब वो मन बना चुकी हैं, तो मामला कुछ और ही है। वो एक राजवंशी हैं, जो अपने जुनून के लिए जानी जाती हैं, और उस पर सियासत की भी अच्छी खासी समझ है उन्हें। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाजी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तो सैया, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सिर्फ हमारे साथ होने से तुम ये इंतखाब नहीं जीत सकती। इसलिए जो भी करो बहुत सोच समझ कर करो। तुम हरम की मालकिन और अहदेदार होने के साथ साथ बेगम खास भी हो। गुलाब की पंखुड़ियों जैसी लरजती हुई या खुदा, ये तो पूरा हो गया हो तो देखें क्या बनाया है आपने। माफ कीजिएगा, या तो आपके बयां करने में गलती हुई है या हमारे हाथों से। तुमने तो कहा था कि पूरी हो गई है, हम देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं आप? अरे बख्शी बनो आप, देखिए आप अभी यहाँ से जाइए, हम आपके लिए एक नजराना तैयार करवा रहे हैं। नजराना? क्या नजराना है बताइए ना, हम देखना चाहते हैं। खुदा के लिए हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। ये तो जोधा भाभी जान की तस्वीर है, मगर आपने क्यों बनवाई? हमने तो आपकी तस्वीर बनवाई थी। हमने बहुत सुना था तबस्सुम के बारे में कि हुलिया बयान करने पर ये सही तस्वीर बनाती हैं। माफ कीजिएगा हुजूर, मगर हमने तो वही बनाया जो आपने बयां किया। ओह, तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम अपनी बीवी की तस्वीर बनवाते वक्त जोधा बेगम का हुलिया बयान कर रहे थे? नहीं, हम अपनी बीवी बख्शी बानो का हुलिया बयान कर रहे थे। हिरनी जैसी आंखें, काली घनेरी जुल्फें, सुराहीदार गर्दन, गुलाबी लब। आप ठीक कह रहे हैं हुजूर, शायद गलती हमसे हुई है। इतनी बार जोधा बेगम की तस्वीर बनाई है ना, शायद दिमाग में वही रह गई है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ। जोधा बेगम, हमारे पास जो लाशें आई हैं, हमने उन्हें देखा, उनके उनके जख्मों को देखा। और ये क्या कर रहे हैं आप शहंशाह, रक्त बह रहा है। बेफिक्र रहिए, बस जरा सा खून है जो हमने जानबूझ कर बहा है, ये उस खून के मुकाबले कुछ नहीं जो हमारे वफादारों का बहा है। आप धीरज रखिए, आप स्वयं एक योद्धा हैं, और युद्ध में तो योद्धा वीर गति को प्राप्त होते ही है, ये सम्मान की बात होती है। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, शायद आप राजवंशी ऐसा समझते होंगे, लेकिन हम मुगल नहीं। जोधा बेगम, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कि आप राजवंशी जंग कैसे लड़ते हैं? राजवंशी युद्ध का हर नियम पालन करते हैं, वो सम्मान से लड़ते हैं और अपने शत्रुओं का भी सम्मान करते हैं। और क्या कभी कोई राजवंशी अपने दुश्मन को घेर कर धोखे से उसकी पीठ पर वार करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, यदि कोई ऐसा करता है तो वो कायर होता है, और कोई राजवंशी ऐसा करता है तो वो राजवंशी कहलाने योग्य नहीं होता, उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। वो हम जरूर करेंगे। जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं जो लाशें हमारे पास आई उनकी पीठ पर वार हुआ है, मतलब उन्हें घेर कर धोखे से मारा गया है, तो आप हमें बताइए उन गुनहगारों को हम क्या सजा दें, उनके साथ कैसा सलूक करें? परंतु ये सब कुछ किया किसने है? क्या आप मानेंगे अगर हम कहेंगे कि एक राजवंशी ने किया है? हम मान ही नहीं सकते, और यदि ये सिद्ध होता है तो आपको उन्हें दंड देने का पूरा अधिकार है। और कैसा लगेगा आपको ये सच जानकर कि ये कायर था आप ही के भाई आमिर के घोड़े सूजा मल ने की है? हुआ क्या सूजा मल भाई साहब? क्या हुआ पूर्व सूजा मल को? अभी ये संदेशा देने के लिए बुलवाया था कि मेवाट में सूजा मल भाई साहब ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया था, और उसमें शहंशाह के दो संबंधी
वीर गति को प्राप्त हो गए और अब शंशा प्रतिशोध देना चाहते उस सुजाबल भाषा को दंड देना चाहते हो। तुम तो जानती हो ना बोती, शंशा के दंड का क्या अर्थ होता है? रक्त के बदले रक्त। धीरज रखिए जोधा, शहंशाह भी क्रोध में है परंतु वो दयालु भी है। जब शहंशाह का क्रोध शांत हो जाए तो आप अवसर पाकर कुंवर सुजामल के लिए क्षमा मांग लीजिएगा। नहीं बोती, इस बार शहंशाह को समझाना संभव होगा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन लोगों पर पीठ पीछे वार हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता, राजवंशी कभी पीठ के पीछे प्रहार नहीं करते। हमारा भी यही मानना है मोदी, राजवंशी कभी पीठ पीछे प्रहार नहीं करते, परंतु यदि हमने शहंशाह को समझाने का अधिक प्रयास किया तो उन्हें लगेगा कि हम सुजाबल भाईसा का अनुचित पक्ष ले रहे हैं। हमने तुम्हें पहले से कहा था कि हमारे हुक्म के बिना ना कोई चोरी ना कोई डकैती, फिर ऐसा क्यों हुआ? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, गुनाह हमारा नहीं है, इस पेट का है। और वैसे भी हुजूर की तरह हमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इस मक्कार पेट को सुबह उठते ही भूख लग जाती है हुजूर। इसे कुछ अशरफियां दे दो। हुजूर, हमारे गिरोह में 200 डाकू हैं और ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है हुजूर। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, लेकिन आज के बाद ना कोई डकैती ना कोई चोरी, समझ गए? इस पर नजर रखना, अगर कोई भी गलती कर रहे हैं तो सबको खत्म कर देना। वैसे इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हो आदम? ये सवाल हम आपसे भी पूछ सकते हैं। तो जवाब ये है कि अब हमारे पास कुछ करने को तो है नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना अपने पुराने दोस्त की खबर ले ली जाए। लेकिन हमारे पास बहुत काम है शरीफुद्दीन साहब, आप तो ऐसे ही नाकारा घूमते रहोगे क्योंकि मेवात की सूबेदारी आपसे छीन ली गई। हम चलते हैं, अलविदा। हाँ, वो तो होना ही था, मगर अभी अभी तुमसे मालवा की सूबेदारी छीन कर पीर मोहम्मद को सौंप दी गई है ना? खामोश, तुम्हारी किस्मत हमारे गुस्से से तेज नहीं है। हम डर गए हुजूर, खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। वैसे आदम, अपने नए सूबेदार की खिदमत जरा ठीक से करना, कहीं इस ओहदे से भी हाथ ना धो बैठो। बेगम जी, प्रणाम, आइए, स्वागत है आप सबका। हम आपको शुक्रिया अदा करने आए हैं, आखिर आपने इस इंतखाब में खड़े रहने का फैसला ले लिया। हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस हरम को वो जगह बना देंगी जहाँ पे सबके साथ इंसाफ होता हो। या खुदा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ होशियार? आज तक हरम बेगम एक खास के हाथों की कठपुतली था। सालों उन्होंने हरम पर हुकूमत भी की लेकिन कोई चू भी नहीं कर सका, मगर इस बार बेगमात ने न केवल उनकी मुखालफत की बल्कि खुलेआम जोधा बेगम का साथ भी दे रही है। आप सबने हमारा विश्वास किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और सच कहें तो ये सब कुछ आप लोगों के सहयोग के कारण ही संभव हो पा रहा है, वरना अकेले तो हम कुछ नहीं कर पाते। आदाब शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। आपसे कुछ पूछना चाहेंगे जोधा बेगम, जब भी आपसे मुखातिब होते हैं तो आपके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है हमें देखकर, लेकिन आज न जाने कहां वो गुम सी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुजामल के लिए हमारे फरमान को लेकर अब हमसे खफा हैं?
ऐसा कुछ नहीं शंशो, आप तो अपना राज धर्म निभा रहे हैं। क्या करें, हमें मजबूरन ऐसा करना होता है। जोधा बेगम, जोधा बेगम जंग जंग ही होती है। जंग में या तो दुश्मन होता है या दोस्त, और अब जंग तभी जीती जाती है जब हम अपने दुश्मनों का सर चुकाएं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी बात को समझें, क्योंकि हमारे हिसाब से आप भी उसी जंग से गुजर रही हैं। हम कोई युद्ध नहीं लड़ रहे, ये तो हरम के मालकिन ओहदेदार का चुनाव मात्र है। हाँ, लेकिन शायद जंग से भी बदतर है। कुछ कहा आपने? हम कह रहे थे कि फर्ज करिए अगर आप रोगैया बेगम को शिकस्त दे देती हैं, तो फिर उसके बाद क्या जोधा बेगम? क्या होगा, हम हरम संभालेंगे और क्या। हाँ, मगर हरम संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जोधा बेगम। हरम संभालना मतलब आपको हमारी हर सहूलियत का ख्याल रखना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, आपको इन सब चीजों के इंतजाम करने होंगे जोधा बेगम। नहीं शंजा, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। क्यों, ये तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। फर्ज करिए, मान लीजिए अगर दो बेगमात हमारे लिए लड़ रही हैं, तो आपको फैसला करना होगा कि उनमें से कौन से बेगमात हमारे साथ वक्त गुजारेगी। जोधा बेगम, हम हरम को केवल आपके रात्रि निर्धारण के लिए नहीं संभालेंगे शंशा। अच्छा, हमें तो ऐसे ही लगता था। क्या करें, रुकैया बेगम के अख्तियार में हमारी आदत कुछ खराब सी हो गई है जोधा बेगम। हमें लगता था हरम सिर्फ हमारे आराम और सहूलियत के लिए है, लेकिन अब शायद सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि अगर किसी बांदी या कनीज ने हमसे बात कर लिया, हमारी तरफ देख भी लिया, तो आप तो उसे सजा दे देंगी जोधा बेगम। अरे, हम ऐसा क्यों करेंगे भला? क्योंकि आपको पसंद नहीं है ना कि कोई भी औरत हमारी ओर देखे, हमसे बात करे, हमारे करीब आए या हमें लुभाने की कोशिश करे। ये किसने कहा आपसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के कहने की जरूरत नहीं है जोधा बेगम। बेनजीर के मामले में हमने खुद इस बात को महसूस किया था। आज तक इस हरम में किसी भी हिंदू दासी को पूजा करने की स्वतंत्रता नहीं मिली, परंतु जोधा बेगम ने यह प्रयास प्रारंभ किया। अब हम अपने ईष्ट को पूज सकते हैं। धन्यवाद जोधा बेगम, बहुत बहुत धन्यवाद। हुजूर, बहुत बड़ी खबर है। क्या हो गया, आसमान फट गया? ऐसा ही समझिए, हरम के सारे हिंदू बांदियों के होजरे में उनकी भगवान की मूर्तियां मिली है। दिमाग खराब हो गया रेशम तुम्हारा, मुगल सल्तनत में किसी भी बांदी को यह हक नहीं है। जानती हूँ हुजूर, लेकिन यही सच है। खुदा कसम, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये कैसे हो सकता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मुगल सल्तनत के हरम के कार्य कानून के खिलाफ जाए? शहंशाह को पता चल गया तो पता नहीं क्या कहर टूटेगा। नहीं रेशम, हमें मालूम ही करना होगा कि इतनी सारी मूर्तियां अचानक से इन बांदियों के पास आई कहां से। चलो, खुदा खैर करे, जोधा बेगम ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, हमने सोचा था कि वो नेक हैं, इसलिए हमने उनके नाम की सिफारिश की, मगर उन्होंने हरम की मालकिन ओहदेदार बनने से पहले ही अपने मजहब की हिमायतें शुरू कर दी। ये हरम के कायदों के खिलाफ है। शहंशाह ने ये इजाजत सिर्फ जोधा बेगम को दी है, बांधियों को नहीं। कहा था ना हमने, कोई हमारा सामना नहीं कर सकता। जोधा बेगम, जिन बेगमात और कनीजों ने आपकी हौसला अफजाई की थी, वही अब आपके खिलाफ होंगी। बेचारी जोधा बेगम हमारी एक चाल भी सहन नहीं कर पाएगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।